12 mm का वाटर सील है और सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपका एवन का है और ये देखिए पत्थर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज देख रहे हैं एक टुल्लू पंप है, हाफ HP का टुल्लू पंप है। तो इसका प्रॉब्लम हो रहा है कि पानी नहीं टान रहा है। पानी ना टानने के कारण आप नीचे में देख रहे हैं यहाँ वाटर सील का लीकेज हो रहा है। ये देखिए पानी हल्का हल्का इसी से गिर रहा है। जब पाइप का जब लोड होता है, जब पानी का लोड होता है, यहीं से बूंद बूंद करके टपकता है। तो चलिए किस तरह इसका ठीक किया जाता है और प्लस इसका किस तरह इसका क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसका पंप यहाँ पर लीकेज कर रहा है, पार्टी भी दिखा है और प्लस हम आपको भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब भी आपका अगर बाय चांस पानी नहीं टान रहा, अगर यहाँ से लीकेज आ रहा है तो ये हो सकता है वाटर सेल का लीकेज। ठीक है, तो चलिए हम पंप साइड का ही खोलेंगे, मोटर साइड का खोलने का दरकार ही नहीं पड़ेगा आपको। पंप साइड का तो ये 3 ये आपका स्टेक देख रहे हैं नट का, तो इसको बढ़िया से हथौड़े से ठोक ले रहे हैं 3 टोको। और 3 टोको ठोकने के बाद बढ़िया से रेंज की सहायता से 8-9 रेंज लगेगा, तो रिंग रेंज के सहायता से बढ़िया से खोलेंगे इसको। ये नट टूट भी सकता है, क्योंकि जब पानी में इसका जंग पूरा लग जाता है तो ये टूट भी जाता है, तो इसको हमको लेद में खुलवाना पड़ता है। तो इसीलिए हल्का सा हम घुमा के देख लेते हैं, अगर खुल गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं खुलता कितना कितना लोग का तो टूट ही जाता है इसमें नट। और टूट जाता तो आपको लेद में खुलवाना पड़ता है, नहीं तो गर्म हीट करके इसको खोलना पड़ता है। तो चलिए ये तो इतना जंक नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये तीनों ही खुल जाएगा। तो कोई कोई ऐसा पंप रहता है कि पूरा पानी में ही डूबा रहता है, कहीं से पूरा नट उट पूरा सड़ जाता है और उसका बाद फिर नट ही टूट जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, ये आराम से खुल जाएगा, क्योंकि ये नट सड़ा नहीं है और ना इसमें जंक लगा है। तो चलिए फिलहाल इसका हम खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं कि कितना mm का वाटर सील लगता है और किस तरह इसका चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने ही रहे और आपको भी सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो चलिए तीनों स्टेक खुल गया है पंप साइड का और बढ़िया से हम हथौड़ी से इसको बढ़िया से ठोक के निकाल ले रहे हैं। थोड़ा सा पेचकस से हम इसको छान ले रहे हैं। तो ये देखिए खोल लिए हैं, तो ये देखिए इम्पीलर है। तो चलिए इम्पीलर तो सही है, तो ये दोनों जो आपको होल दिया हुआ है तो इसी में हमको पुलर लगाएंगे। देखिए पुलर मेरा पुलर इसी तरह रहेगा, इम्पीलर खोलने का पुलर, और इसमें हम बढ़िया से दोनों स्टेक का नट हम टाइट कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से इसका नट हम टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद पूरा फुल गुना इसमें चढ़ाएंगे, हाफ गुना नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि पित्तल है। तो अगर हाफ गुना चढ़ाएंगे और इसको जब पुलर टाइट करेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, तो इसलिए पूरा फुल गुना चढ़ा देंगे इम्पीलर में। उसके बाद इसका रेंज इसका पुलर से बने से इसको टाइट करेंगे, आराम से इम्पीलर निकल जाएगा। तो चलिए टाइट हो चुका है, अब इसको बने से पुलर की सहायता से इसको बने से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद आराम से इम्पीलर निकल जाएगा। कभी भी आप इम्पीलर निकालिएगा तो पूरा फुल गुना लगाइएगा, नहीं तो हाफ लगाने से ये इम्पीलर का जो थ्रेड होता है वो स्लिप कर जाएगा और स्लिप कर जाने के बाद फिर आपका इम्पीलर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी इम्पीलर लगाइएगा तो पूरा इसका थ्रेड पूरा एकदम फुल गुना चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर जाकर आपको क्या होगा, फिर पेचकस की सहायता से इसको खोलिएगा तो इम्पीलर आपका टेपर हो जाता है। तो देखिए आराम से ये निकल रहा और क्या है कि पानी में जंक हुआ होता है इसीलिए बढ़िया से इसको टाइट रहता है, तो टाइट जितना रहेगा उतना बढ़िया है। तो आराम से इम्पीलर निकल गया, इसके बाद चाबी निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या क्या निकाल रहे हैं, पहले इम्पीलर, फिर उसके बाद चाबी, फिर वाटर सील का लॉक है। तो ये देखिए इसको सर क्लिप भी बोलता है और अपने तो वाटर सील का लॉक भी बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में लॉक ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 mm का लॉक है, तो ये देखिए आराम से इसको पेचकस की सहायता से निकाल देंगे। अरे ये ला आपका जो लॉक निकाल रहे हैं पेचकस की सहायता से, ये लॉक दोबारा नहीं डालिए, काहे कि ये आपका बेकार हो गया, दोबारा डालने से ये ढीला हो जाता है, मतलब लूज हो जाता है, फिर वह ये बढ़िया से टाइट नहीं होता है। तो इसका क्या है कि न्यू लॉक ही डाल दीजिएगा। तो ये देखिए निकाल लिए, उसके बाद हम वाटर सील निकाल दे रहे हैं, वाटर सील निकाल दिए हैं और ये आपका लगभग 12 mm का वाटर सील है। ये देखिए 12 mm लिखा हुआ है,
तो ये 12 mm का वाटर सील है। और इसका हम पत्थर देख रहे हैं, तो पत्थर इसका टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ रहता तो पत्थर भी हम इसको चेंज करते, तो फिलहाल के लिए इसका पत्थर ठीक है, तो पत्थर चेंज करने की दरकार नहीं है। पत्थर जब चेंज होगा, जब पत्थर पूरा टूटा हुआ रहेगा तभी चेंज कीजिएगा, नहीं तो चेंज करने का दरकार ही नहीं है। चेंज करिएगा तो फिर इसका हमको पूरा पंप जितना मोटर का जितना है ना रोडट हो उसको पूरा निकालना पड़ेगा, तो इसका पत्थर टूटा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, अगर जब बाय चांस पत्थर टूटा रहेगा तो आपको किस तरह इसको निकालना वो भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल इसमें पत्थर नहीं टूटा हुआ, तो सिर्फ हम वाटर सील ही इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए इसको बढ़िया से हम क्लीन कर दिए हैं साइड साइड से, तो साइड साइड में जो है इसका बढ़िया से सफ़ा कर दे रहे हैं। जो जंग का मोचा लगा रहता है, हमने थोड़ा सा जंग का पानी लगा हुआ रहता है, वो बढ़िया से हम सफ़ा कर दिए हैं, लेकिन जब फिटिंग करने के बाद फिर हल्का सा लीकेज हो जाए तो दिक्कत होगा। तो चलिए सफ़ा तो हो गया, अब क्लीन हो गया है, अब चलिए न्यू वाटर सील हम इसको फिटिंग करते हैं। तो मेरा वाटर सील है आपका एवन कंपनी का, सबसे बेस्ट वाटर सील हमको यही लगता है। काफ़ी लगाएं वाटर सील, जैसे बेस्ट का हो गया, काफ़ी ऐसा ऐसा कंपनी है लेकिन सही नहीं है। लेकिन एवन कंपनी का मेरे को वाटर सील हमको अभी तक एक भी जैसा कंप्लेन नहीं मिला है। इसका क्वालिटी भी इसका सही रहता है। ये देखिए आपका 12 mm का वाटर सील है, ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम क्वालिटी भी इसका बढ़िया है। इसका पत्थर तो ख़राब नहीं हुआ है, देखिए पत्थर टूटा हुआ नहीं है, तो इसीलिए देखिए इस साइड में पत्थर एक जगह भी टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ रहता तो हम इसका चेंज करते हैं। तो चलिए फिलहाल इसका सिर्फ वाटर सील इसका ही रबर टो हम लगाएंगे, पत्थर नहीं लगाएंगे, पत्थर इसका सही है। तो चलिए इसका वाटर सील हम इसको बढ़िया से किस तरह लगाते हैं और किस तरह इसको लॉक करते हैं, तो इस तरह करके हमको पुश कर देना है हाथ की सहायता से। पुश करने के बाद हम इसको सर्फ क्लिप या लॉक इसको दे देंगे वाटर सील से, और इसको बढ़िया से टाइट रहेगा। और इसको न्यू देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सेफ्ट की सहायता से इसको बढ़िया से हम ठोक लिए हैं। अब इसको ये देखिए लॉक, वाटर सील का लॉक हम इस तरह करके हम डालेंगे। मेरे पास नोज प्लास नहीं है, तो नोज प्लास नहीं है तो हम तार की सहायता से ही आराम से इसको हम लगा देंगे। तो ये देखिए हाथ से इस तरह करके टानेंगे और इस तरह करके हम डाल देंगे, बस डाल दिए। अब इसको बढ़िया से तार निकाल देंगे, ज़्यादा ढुकाना नहीं है, ढुकाने से फिर तार हम नहीं निकाल सकेंगे। तो ये देखिए तार हम बाहर कर ले रहे हैं, पहले बढ़िया से इसको तार बाहर कर देंगे, और तार बाहर करने के बाद पेचकस की सहायता से इसको हल्का हल्का करके मार के बढ़िया से ढुका दे, बढ़िया से इसको बैठा देंगे। तो जहाँ इसका घाट है आराम से बैठ जाएगा। ये देखिए वह इसका सर क्लिप बढ़िया टाइट है एकदम, और वही जगह आराम से बैठ भी जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमको दोबारा ये लूज भी नहीं होगा, अगर पुराना वाला डालते तो लूज हो जाता, और इसका क्या कि बाद में ये लीकेज कर जाता पानी। अभी अगर लीकेज ना करेगा तो बाद में अगर लीकेज करेगा ही करेगा, क्या कि लॉक वो सही से नहीं होता, एक बार जब निकल जाता दोबारा ये लॉक नहीं सही से होता है। तो ये देखिए न्यू हम डाल दिए, आराम से ये लॉक हो जाएगा। तो चलिए ये लॉक हो गया है, अब इसका फिलहाल इसमें हम देख रहे हैं, ये देखिए बढ़िया से टाइट भी है, तो हम हाथ से भी घुरा के देख लें ये टाइट है। तो चलिए इसका चाबी लगाते हैं हम, और चाबी लगाने के बाद इसको इम्पेलर बढ़िया से लगा देंगे। तो चलिए इसका बॉडी के सहायता में, बॉडी का पीछे जो बढ़िया है इसको भी हम घिस ले रहे हैं, जितना पानी का दाग लगा हुआ या जंक लगा हुआ बढ़िया सफ़ा कर ले रहे हैं, क्या कि पंप में अगर हल्का से भी लीकेज करेगा तो पानी नहीं टानेगा, वो भी अगर हाफ इंच भी है तो आर ही नहीं टानेगा, क्या कि हाफ इंच भी में हल्का से भी हवा लेता है ना तो क्या होता है कि पानी छोड़ छोड़ के देता है और उसको पकड़ भी नहीं सकेगा। तो इसीलिए इसमें हम बढ़िया से एक जरा भी दिक्कत ना करने, प्रॉब्लम ना करने कि ये जगह सफ़ा नहीं किए, ये जगह नहीं किए, दोनों साइड सफ़ा करने के बाद चाबी ठोक दिए, और उसके बाद हम इसको इम्पेलर ठोक के बढ़िया से बैठा लेंगे। तो चलिए इसको बैठा लिए, अब हल्का सीधा से ठोक के बैलेंस कर लेंगे, तो फिर करेंगे। हाँ अब ठीक है, और इम्पेलर देख रहे हैं कि लूज तो नहीं है, तो उसको हाथ से भी घुमा के देखेंगे, तो ये देखिए लूज है, क्या कि हाथ से ही मेरे को ढक ढुक कर रहा है। तो ये देखिए अभी हम पेचकस से खोलेंगे तो ये आराम से खुल भी जाएगा लग रहा है। तो ये देखिए हम फिर से इम्पेलर निकालेंगे, क्या कि हल्का सा ढक ढुक कर रहा था, हाथ से ही घुरा रहे तो ढक ढुक कर रहा था। तो हम इसका इम्पेलर टाइट करने का सहायता है, इसका इम्पेलर किस तरह टाइट किया जाता है, तो हम इसमें पंचिंग मार देंगे सेफ्ट में, और पंचिंग मारने के बाद वही इम्पेलर तो हम बैठा देंगे, आराम से टाइट से बैठ जाएगा, क्या कि इम्पेलर ख़राब ही नहीं हुआ तो क्यों दरकार है नया इम्पेलर लगाने का, तो पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा झूठ मूठ का। तो इसीलिए यही इम्पेलर डाल देंगे, एकदम टाइट ही लग जाएगा।
क्या है कि ये आपका इम्पीलर पित्तल का आता है, तो क्या होता है कि एक बार लगने के बाद दोबारा लगाइएगा तो क्या हल्का सा लूज हो जाता है, इसलिए थोड़ा पंचिंग मार के टाइट कर दिया, आराम से टाइट हो गया। चलिए इस साइड तो थोड़ा हल्का ठोकते हैं और देखते हैं घुमा के, तो ये देखिए थोड़ा फ्री है, उसके बाद फिर हम इसको पंप चालू करके देखेंगे तो ये आराम से चल जाएगा। थोड़ा सा फर्स्ट बार में जाम है, उसके बाद जब पंप चालू करेंगे आराम से चल जाएगा। तो चलिए फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद इसमें पानी डाल के उसके बाद हम चालू करेंगे, क्या कि ड्राई में हम चालू नहीं कर सकेंगे, ड्राई में चालू करेंगे तो ये आपका वाटर सील कट जाएगा गर्म होके, तो इसलिए हम इसमें पानी डाल के ये करेंगे चालू करेंगे। तो चलिए बने से इसको टाइट करते हैं, पहले तीनों सेम सेम हिसाब से टाइट करना है, कोई ज़्यादा कम बेसी नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको हम कहीं पर ऐसा नहीं करें कि स्किप नहीं कर रहे हैं कि कहीं छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, जिस तरह किया जा रहा है नियम के अनुसार उसी तरह आपको भी दिखाना है, जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह। एक जरा भी वीडियो हम काट के नहीं किए कि चलो इम्पीलर का नहीं बता रहे हैं, चलो ये इम्पीलर का हम देख रहे हैं किस तरह सेट कर दिए, वो सब नहीं। अगर इम्पीलर लूज है तो आपको लूज ही दिखाना है कि इम्पीलर लूज है, अगर लूज है तो किस तरह इसको टाइट करना है, तो हम पंचिंग मार के इसको टाइट किए हैं। कहीं पर हम वीडियो काट के हम नहीं दिखा रहे कि कहीं पर काट दिए उसके बाद इम्पीलर हम फिट कर दिए, ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए इसका हम बॉडी हम इसका ये लगा दिए, तीनों नटों बढ़िया से टाइट कर दिए हैं। अब इसको घुमा के देख रहे हैं तो घूम रहा है। अब हल्का सा हम पानी डालेंगे, बोतल में मेरा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो यहाँ पर दुकान है इसलिए थोड़ा सा पानी गिर जाएगा तो इसमें दिक्कत होगा, तो इसलिए हम हिसाब से ही पानी डालेंगे कि जो हमको चेक कर सकें कि इसमें पानी गिर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम चालू करके चेक करेंगे कि अपने से घूम रहा है कि नहीं, ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो घूमेगा ही नहीं, कहे कि हाफ एचपी का है। तो ये देखिए हम बोर्ड लेके आ गए हैं, अब इसमें चलिए हम लाइन देते हैं, लाइन दे के चेक करते हैं। तो ये देखिए घूम नहीं रहा, हम लाइन दिए हैं तो गो कर रहा, तो हाथ से घुमाते हैं। तो चलिए हाथ से घुमा दिए, अब थोड़ा देर चलाते हैं, 2-4 मिनट चलाएंगे, उसके बाद फिर बंद करेंगे, तभी उसके बाद फिर चालू करेंगे कि चालू होता है कि नहीं। और उधर आपका वाटर सील भी लीकेज नहीं है, उधर भी देख लिए, क्या कि न्यू वाटर सील हम डाल दिए, क्या कि वाटर सील कटा हुआ ही था, चलिए न्यू वाटर सील डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्या कि टाइट है तो ठीक है। चलिए इसमें फिर हम बंद किए, फिर चल के फिर हाथ से चलाना पड़ा, तो थोड़ा देर हमको चलाना ही पड़ेगा, तब उसके बाद ये फ्री हो जाएगा, सही से ये बैठ जाएगा। कम से कम 5 से 10 मिनट हमको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको मान चलेगा कि ये फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा और पानी हम डालते हैं, अब इसके बाद फिर से हम वह लाइन देते हैं और लाइन देके चालू करते हैं फिर से हम। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका वाटर से लीकेज नहीं कर रहा है, यहाँ आपको दिखा दिया हम पानी इसीलिए पूरा भर दिए थे, एक भी लीकेज नहीं कर रहा है, ये आराम से चालू हो गया। चलिए वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।